आज हमारे साथ यहाँ पर हैशटैग मुंबई न्यूज के स्टूडियो में मौजूद है इंटरनेशनल नाच सिंगर दानिश दावल। हैशटैग मुंबई न्यूज में आप लोग का वेलकम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम ये बताना चाहूंगी कि हम लोग ने एक Q&A रखा था इंस्टाग्राम पे, जिसमें आपके फैंस लोग ने काफी क्वेश्चंस किए हैं, तो हमने उसमें से कुछ सिलेक्ट किया है क्वेश्चंस जिसके बारे में आपको आंसर्स देना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है दावर के लिए। दावर, बहुत से लोग आपके नाम में ही कंफ्यूज है कि आपका नाम दावर है क्या दवार है, तो वो कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, 90% से ज्यादा लोग मेरे को दवार बुलाता है, कोई कुछ बुलाता है, जब भी कॉल आती है कहते हैं कि आप दवार बात कर रहे हैं, तो मेरा दवार 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 दीवार भी बोला है, दीवार बोला था, दीवार बात में प्रभा। तो मेरा असली नाम है दावर, D-A-W-R, दावर, दावर प्रोनाउंस करते हैं ऐसे इसको। सो दावर इनका नाम है। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले आप लोग की एज जानना है आपके फैंस लोग को, तो आपकी एज क्या है दानिश? जी मैं लास्ट मंथ 26 का हो गया मैं। ओके, नहीं याद आ रहा, 26 मेरी है, 21। ओके, और आप लोग की जर्नी के बारे में बताएं कि आपकी जर्नी कब और कहां से स्टार्ट हुई है, आपकी जर्नी में क्या अप्स एंड डाउन्स मोमेंट्स आए। ओके, हम लोग ने 2017 में, मैंने मुझे हसबी रब्बी, मैंने किसी बच्चे का पड़ा हुआ सुना था तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी, तो मैंने दावर, इसको म्यूज़िक बनाने का बहुत शौक़ था और अपने रिकॉर्डिंग्स वगैरह करता रहा, तो दावर को सॉन्ग बनाता था ये। मैंने हसबी रब्बी किसी बच्चे का पड़ा हुआ सुना था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं दावर के पास आया, इसको म्यूज़िक वगैरह बनाने का काफ़ी शौक़ था, अपनी रिकॉर्डिंग्स करता था किसी सॉफ्टवेयर में, तो मैं इसके पास आके मैंने उसको कहा कि दावर इसको सुनो ये कितना अच्छा है, तो इसने सुना, कहता हाँ भैया तू इसको पढ़ मैं तेरी रिकॉर्डिंग करता हूँ एकदम प्रोफेशनल, इसने स्टूडियो अपना सेटअप घर पे रखा हुआ। जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने उसको कहा कि दावर पहली दो लाइनें मैं पढ़ूंगा, नेक्स्ट तेरे सदके से आका वाली लाइन तू पढ़ना, तो उसने कहा नहीं, काफ़ी मनाया, एक दो घंटे मनाने के बाद इसने वो लाइन पढ़ी। तो जब ये पूरा मतलब मेरी आवाज़ अच्छी नहीं आएगी, आप पढ़ो आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है, तो मैं आप वीडियो बनाना, वीडियो में नहीं रहूँगा मैं, ऑडियो भी नहीं। फिर इसने वीडियो में कहा कि मैं चलो पढ़ लूँगा नाथ, लेकिन मैं वीडियो में नहीं आऊँ। हाँ okay. मैंने इसको किस एक दो घंटे पकड़ बहुत टाइम लग गया, मैं पूरी रात लगी फिर मनाते हुए, फिर बाद में हमने पूरी रात में इसमें पूरा रिकॉर्डिंग की, पहली हमारी वो इसी ने रिकॉर्ड की, हमारी मैक्सिमम इस बार को छोड़ के पहली जितनी भी नाते हैं इसने खुद रिकॉर्ड किए हैं, और यही पूरा स्टूडियो सेटअप पूरा रिकॉर्डिंग्स भी है खुद करता, बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, लोग किसी को पता नहीं है। तो इस जर्नी में आपको यहाँ तक कि किसने मोटिवेट किया है अब तक के? मोटिवेशन तो देखो हमारे घर वालों की तरफ से पूरी तरह की सपोर्ट थी और पूरे रिलेटिव्स की तरफ से सपोर्ट थी, ऐसी चीज़ है ना नाथ के जो हर इंसान पसंद करता है, मुस्लिम्स भी नॉन मुस्लिम्स भी पसंद करते हैं, और हर तरफ से हमें इतनी इंकरेजमेंट मिली, इतनी मोटिवेशन मिली, और जिसको हम अपना आइडल मानते हैं जो चले गए इस दुनिया से 2017 में प्लेन क्रैश में, जुनैद जमशेद जी, तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये नाते बनानी शुरू की। और दावर को भी मतलब वो भी उसको उनको फॉलो करता था, तो जब प्लेन क्रैश का हादसा हुआ ना उनका, तो कुछ ऐसा माहौल हो गया था घर पर कि मैं ऑटोमेटिकली नातों की तरफ चला गया। अब फिर जब हमने पहली वो नात डाली तो उस पर व्यूज़ का क्या हुआ था? फर्स्ट नाथ डाली हमने तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमारे फॉलोअर्स भी थे 126 यानी कितने फॉलोअर्स थे, तो हमने नात अपलोड कर दी थी, तो अगला दिन था रमज़ान का फर्स्ट डे था, पहला रोज़ हमें पता नहीं था, हम लोग सोए अगले दिन उठे हमने व्यूज़ देखे 3000 व्यूज़ थे, 3K व्यूज़, मैं इतना एक्साइटेड हो गया, मतलब यार 3000 व्यूज़ आ गए हैं, फ्रेंड्स को फोन करके बोल रहा हूँ यार, फ्रेंड को बोला मतलब 3000 व्यूज़ आ गए हैं, कहते वाह नाइस नाइस, तो करते करते बंद कर दिया हमने, तो शाम को हमने इफ्तारी की उसके बाद खोला तो वहाँ था 4 लाख व्यूज़, मतलब यार ये तो हद हो गई, कमेंट्स भी चले रहे, व्यूज बढ़ते, फिर करते करते वो वीडियो हमारी 4 मिलियन 7 मिलियन 10 मिलियन तो बहुत आगे गई थी फेसबुक पे। मैंने फटाफट से ना यूट्यूब एक पेज, फिर यूट्यूब पे इन्होंने तो आपका कुछ मे बी कुछ वीडियो डिलीट हुआ था। हाँ वही फर्स्ट वाली, वो यही वीडियो था जब हमारा हमने यूट्यूब चैनल बनाया अपना दानिश दावर का, इमीडिएटली उस पर वो अपलोड की, तो हुआ ये कि वो बहुत फास्ट ग्रो करने लगी, काफ़ी ज़्यादा फास्ट, कितना यूट्यूब पे उसका एक दिन में पता नहीं कितना, अगर वो डिलीट हुए थे अभी उसके 100 मिलियन प्लस व्यूज होते हैं, मिलियन व्यूज होते हैं, पार्ट टू के 70 मिलियन है, पार्ट वन हसबी रब्बी 100 से ऊपर, किसी ने उस पर कॉपीराइट क्लेम किया था रैंडमली, पता नहीं क्यों किया, क्या किया, कुछ भी उसमें किसी को कॉपी नहीं था, फिर हमने अपील की के इसको हटाओ, तो उनने वहां से, जब हम अपील करते हैं तो उसके पास ऑप्शन आता है कि आप वीडियो रिमूव करवा दो, okay. उसने वहां स्ट्राइक कर दिया वीडियो को, एनीवेज हमारा पार्ट टू वगैरह काफी अच्छा चला था। और ये क्वेश्चन दानिश के लिए है, दानिश आप डॉक्टर हो ये तो सब जानते हैं, बट दावर आप क्या करते हो? मैं भी क्वालिफिकेशन, हां मैं अभी MBBS कर रहा हूं, मैं भी
मैं भी इंशाल्लाह अच्छे से बन जाऊं डॉक्टर MBBS. बहुत सारे फैंस के ये क्वेश्चंस आए कि आज की जनरेशन में आज जो यूथ है बहुत सिंगिंग का शौक सबको होता है बट सिंगिंग में सब चले जाते हैं. आपने दिन दिन की राह क्यों चूज की है जैसे नाथ, तो ये सब जानना चाहते हैं. देखो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ, माहौल का जो असर होता है ना ये सबसे ज्यादा अहमियत रखता है कि इंसान की जिंदगी में. हम सब हम दोनों के अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का माहौल, हमारे खानदान का माहौल और पूरे इलाके में जहाँ हम रहते हैं वहाँ का माहौल बहुत दीनदार वाला और अच्छा माहौल है माशाल्लाह. उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया, तब ये क्लास 10th में था या 9th में था, तब मैं कॉलेज में आया तो मुझे रूममेट भी ऐसे मिले जो दीनदार थे इतने ज़्यादा, 24 घंटे मतलब दीन की बातें होती थी हमारे पढ़ाई के साथ साथ. तो असर आता है उस चीज़ का, तो जहाँ पे बैठो दीन की बात, इस्लाम की बात, अल्लाह की बात, नबी की बात. बट इतना फेम मिलने के बाद एक होता है इंसान फेम मिलने के बाद कभी कभार एक फेम लाइन में चला जाता है, बट आप लोग ने कभी इससे बाहर जाने की कोशिश की है ना इस फील्ड से रिलेटेड? दिल ही नहीं करता जब इतना अच्छा इतना प्यारा रिस्पांस मिल रहा है हमें इस चीज़ में, तो कोई क्यों बाहर जाएगा. और सबसे ज़्यादा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप लोग की गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड नहीं है कोई. नहीं नहीं गर्लफ्रेंड वगैरह मेरी तो नहीं. तो गर्लफ्रेंड नहीं है तो आप लोग बहुत सारे फैंस लोग का ये क्वेश्चन आया है कि आप फैन गर्ल से शादी करना चाहोगे या फैमिली की पसंद की या खुद के पसंद की? कोई भी अच्छी लड़की कहीं भी हो सकती है, फैन भी हो सकती है, फैमिली भी. ये सब फैसले अल्लाह के होते हैं और जोड़ी अल्लाह ने अर्श पे बनाई होती है वो ठीक है, पर अच्छी अगर कोई भी हो यार. हाँ अल्लाह के होते हैं फैसले, अब फैन हो नहीं हो जो भी हो वो मैटर नहीं करता, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता. हमारे घर वाले जहाँ हमारी शादी करेंगे हमारे घर वालों के फैसले पे ही इंशाल्लाह. अगर घर वालों ने बोला खुद ढूंढ लो, मतलब आप अपनी पसंद की शादी करोगे? कोई नहीं है अगर मैं कह रहा हूँ उन्होंने बोला, ऐसा तो कोई नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा. तो हम लोग अपने फैंस से बहुत मोहब्बत और बहुत इज्जत करते हैं सर जी, हम जो भी हैं अपने फैंस की वजह से हैं. और ये फैंस नहीं है मतलब इन्होंने जितना प्यार हमसे किया है ना सब फैमिली की तरह हैं, जितने भी जैसे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, टच में रहते हैं सब लोग बिल्कुल अच्छे से. आप लोगों की हॉबीज क्या है? इसकी हॉबी है, नहीं मैं अपनी बताता हूँ, ये खुद बताएगा. मेरी हॉबी है, हम मेरे पास कीबोर्ड है तो जो मैं बजाना शुरू किया उसके बाद से पढ़ाई जब मेरी स्टार्ट हुई MBBS की तो बस म्यूजिक बजाना, उसके बाद जिम करना, उसके कॉर्ड्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, कॉर्ड्स छोड़ना नहीं अच्छे भी जाते हैं मजाक के भी ना नहीं ये बहुत अच्छा कीबोर्ड नहीं, जाता नहीं, है नहीं, लेकिन ये मेरे पे हंसता है कि क्या कर रहा है तू. तो जिम जाना, उसके बाद हम लॉन्ग ड्राइव्स पे निकल जाते हैं, थोड़ा एडवेंचरस बनाते हैं, जबरदस्ती अपनी लाइफ को जबरदस्ती पंगे करते हैं, तो ये सब हमारी हॉबीज है. मेरी बस यही जिम वगैरह, मेरी यही जिम वगैरह जाते हैं साथ में ही, और साथ में सॉकर फुटबॉल थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ. और आप लोगों के फ्यूचर प्लानिंग्स? फ्यूचर प्लानिंग्स इसका इंशाल्लाह MBBS कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये भी आगे पोस्ट ग्रेजुएशन जो अपना सॉरी MD करेगा, स्पेशलाइजेशन होती है उसमें, तो मेरा भी यही है वही हमारा मेन जो फोकस है ना वो मतलब किसी मेडिकल फील्ड में इंशाल्लाह. एक दानिश जैन से रिलेटेड क्वेश्चन है, दानिश जैन और आप लोग जिम फ्रेंड्स थे, जिम में एक साथ आप लोग जिम करते थे, तो दानिश जैन की डेथ के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे उसके डेथ के बारे में? दानिश जैन अल्लाह ताला उनको उसको जन्नत में आला से आला जगह दे, बहुत ही नेक और बहुत ही मतलब नरम दिल इंसान, मैंने ऐसा कम देखे, इतना ग्राउंडेड, इतनी फेम, इतनी छोटी हम दोनों से छोटी है उसकी, और इस उम्र में उसकी इतनी फेम और इतना इज्जत रहता भी उसी साइड था ना वो सीवुड्स में हमारे बिल्कुल फ्लैट के सामने मिलते रहता था रोज, कभी यहाँ जा रहा ब्लॉग वगैरह में. दावर ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था उससे, दावर का फ्रेंड था, इससे बात हुई और हमारे प्लान भी था साथ में कि अगर कुछ करेंगे साथ में बनाएंगे वगैरह, तो काफी बहुत मस्त मिल रहा है, बड़ा बहुत शौक लगा वो सुन के उसका जो हादसा हुआ, सबसे मिलता बात करता सबसे बिल्कुल वो फ्रेंड. हमने नोटिस की चीज वो किसी मतलब किसी कभी इरिटेट नहीं होता किसी चीज से कि यार ये लोग परेशान कर, उसकी गाड़ी पे लोग चढ़ जाते थे उसको खींच खींच के निकालते थे लेकिन वो मुस्कुराता था, ये बहुत बड़ी एक चीज है. और दानिश आपके मोटिवेशन तो आपने बताया कौन है, दावर आपका मोटिवेशन? सेम वही से एक ही साइड से आया सब. और कुछ सीक्रेट है ऐसा जो आपके फैंस लोग से आपने अभी तक ये शेयर नहीं किया है? सीक्रेट है कोई नहीं है पता ही है, पूरी जिंदगी हमारी खुली किताब की तरह हर चीज आ जाती है कहीं ना कहीं से बाहर. और हस्बी रबी का जो पार्ट टू है नाथ उसमें 70 मिलियन व्यूज क्रॉस किया है, आपने कभी एक्सपेक्ट किया था? आप इसके फीलिंग्स को शेयर करना चाहोगे? एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, नॉर्मली 70 मिलियन व्यूज बहुत लाइक एक इंडस्ट्री में 70 मिलियन व्यूज किसी को मिलते हैं,
जब हमने शुरू किया था नात पढ़ना तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया, लोगों का इतने प्यार मोहब्बत कि कुछ देर बाद हमने एक्सपेक्ट किया ही था कि इंशाल्लाह ताला के लोग इतना प्यार करें, बढ़ेगा और बढ़ेगा और इंशाल्लाह इस पे और भी व्यूज आएंगे, इंशाल्लाह ताला बरकत आती है इन चीजों में जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है इंशाल्लाह। और नात के पीछे आप जो म्यूजिक ऐड करते हो तो जो हेटर्स इसको सॉन्ग बोलते हैं, हेटर्स बैड कमेंट्स करते हैं, तो वो हेटर्स का इफेक्ट क्या पड़ता है? वो कहते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट डाले हैं, बीट्स बज रही है, और जो ये म्यूजिक नहीं होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट होती है, डफ होती है ना, डफ हम यूज कर सकते हैं, वो इस्लाम में भी इसकी है एक दायरा होता है कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर सकते हैं, चमड़े का बना हुआ ये सब होते हैं कुछ, तो डफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम मोस्टली अपने नात में डफ ही यूज करने की कोशिश करते हैं और बैकग्राउंड पे एक वोकल वॉइस ही चलती रहती है, तो ये सब यूज करते हैं, बाकी बीच बीच में एक चुटकी वगैरह डालते हैं, लेकिन ये है कि हमारी पहली नात में म्यूजिक था, उसके बाद लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया, फिर हमने हटा दिया। कुछ हेटर्स भी होते हैं, तो हेटर्स लोग को आप कैसे हैंडल करते हो? कुछ हेटर्स होते हैं ना नात के साथ, मतलब हेटर्स का काम होता है बैड कमेंट्स करना, तो हेटर्स को कैसे हैंडल करते हो? शुरू में जब पहली वीडियो डाली थी ना, उस पे जो लिख रहा था ना बंदा कि ये क्या दो गा रहे हैं, वैसे जो भी कमेंट आता हम पूरी बहस करते थे उसके कमेंट करते, हेटर्स बोलते हैं नात को तुम सॉन्ग की तरह ये कर रहे हो, हेटर्स बोलते रहते, तो आप लोग उन लोगों को कैसे हैंडल करते हो? शुरू में रिस्पांस देते थे बहुत ज्यादा बात करके, तू कौन है, गर्म हो जाता था, बीपी हाई कर रहा था, ये कैसे बोल सकता है ऐसे एकदम रिप्लाई, उसके बाद आहिस्ता हमने इस बार तो हमने कितने मतलब हमारे हमने जो अंदाजा लगाया था हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स देखो 1% हेटर्स है, अगर हमारे 1,00,000 है तो 1,000 हेटर्स है, इस तरीके का हमारा चल रहा है रेशो। और बहुत से फैंस लोग कंफ्यूज्ड है कि आप इंडियन हो या पाकिस्तानी, ये कंफ्यूजन आप लोग दूर कर दो, ये बड़ा मसला। देखो हम इंडियंस हैं, हम प्राउड इंडियंस हैं और हम सब पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं, सबसे ठीक है, सब लोगों से मोहब्बत करते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियंस हैं, मुझे इंडिया में लोग मिलके कहते हैं वेलकम टू इंडिया सर कब आया अभी रास्ते में दो लोग मिले कहते हैं वेलकम टू इंडिया, हमें सब इंडियंस इंडियन होने का फख्र है और पाकिस्तानियों से भी बहुत मोहब्बत करते हैं, तो इसलिए हमारे लिए सब भाई बहन है, सब एक हैं, प्यार मोहब्बत से। अभी तो जैसे पता है कि दावर अपनी स्टडी कर रहे हैं लेकिन ये दानिश के लिए कि एक अपने जो अपने सिंगिंग का जो करियर है वो एक सॉन्ग से स्टार्ट किया था, फिर देन नात, और जब इतना फेम मिलने के बाद एक होता है ना प्रीवियस प्रोफेशन भूल जाते हैं लोग, बट आप उसे भी कंटिन्यू कर रहे हो, तो कुछ एक्सप्लेन करो। मैंने एक सॉन्ग बनाया था आफरी आफरी, पता नहीं मैंने तो निकाल दिया था अपने चैनल से, वो होगा शायद यूट्यूब पे, तो उस पर काफ़ी अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स आया था, पर जब एक इंसान को मतलब नात पढ़ने में जो लुत्फ आता है और जो नात पढ़ने में दावर ने कंपोज इतने खूबसूरत तरीके से की, फिर उस चीज के जो रास्ते है ये टोटली डिफरेंट रास्ता है, इससे फिर हम या फिर वो करो तो या फिर ये करो, तो लाइक इतना अच्छा फैन का रिस्पांस मिला है आपको, तो अक्सर हो जाता है ना कि लोगों को फेम मिलने के बाद वो अपना प्रीवियस सिंगर्स मोस्टली प्रीवियस अपना जो भी प्रोफेशन होता है वो सब भूल के सिर्फ फेम की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बट आप वो दोनों चीज कर रहे हो। हमारा फोकस जो है हमारे मेडिकल फील्ड में, क्योंकि नात से हम लोगों को मतलब अल्लाह का जिक्र तो करते हैं, अल्लाह लोगों को सुकून पहुंचा सकते हैं, पर जो हमारा मेन जो हमारा मकसद है वो है डॉक्टर बनना, और बहुत ही मेडिकल फील्ड में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, इसमें कामयाबी अल्लाह ताला दे। बाकी नात पढ़ने में तो वो तो हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए, वो कोई ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है, वो तो हर जो पैदा होता है बच्चा 2 साल का होता है उसको भी नात पढ़नी चाहिए, तो हमारा प्रोफेशन डॉक्टर है और नात तो सबको पढ़नी चाहिए। क्या आप दोनों रियल ब्रदर्स हो? बिल्कुल बिल्कुल रियल ब्रदर्स नहीं, बट कुछ लोगों के ऐसे डाउट्स है कि जो भी डाउट्स थे वो क्लियर करना था कि आप रियल ब्रदर्स हो। रैंडम चीजें लिखते हैं लोग, कोई कहता है फ्रेंड्स, कोई कहता है कजन्स, कोई कहता है क्या। हमारा रिलेशन माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बाप बेटे वाला भी है, भाई भाई वाला भी है, जरूरत पड़ने में बेस्ट फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, और दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, सब है हमारे लिए। और इफ अगर बॉलीवुड से आप लोगों को कोई चांस मिला है या आपको चांस मिलेगा कोई सिंगिंग करने का, तो आप क्या करोगे? 3-4 बार मिला है, काफी अच्छे ऑफर्स आए हमारे पास, तो ऑफर्स आए तो आप लोगों ने वो ऑफर्स एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? पर पहले उन्होंने बोला कि अच्छी आपके टाइप की वो है, ऑडियो है, गाना है, बॉलीवुड मूवी भी है, नाम नहीं लूंगा छोड़ो। मूवी 3-4 जगह से आए थे, बाद में सुना तो पूरा ऑफर आए थे हमारे, हम गए स्टूडियो में कि हम लोग उनके नाच पढ़ते हैं, अगर कोई इस टाइप का है जो डिवोशनल टच वाले से कवाली होती है, जैसे भरदे जोली मेरी या मोहम्मद कितने खूबसूरत है, इस टाइप का कोई हम पढ़ेंगे गाएंगे कवाली टाइप, लेकिन वो गाने तू ही मेरी शब्द टाइप के ये सब गाने वाने हम नहीं गाएंगे, तो उस टाइप के हमारे पास एक दो ऑफर्स आए थे, हमने अभी मतलब देख रहे हैं उस पर, वो ऐसा नहीं है कि
एक क्वेश्चन दावार के लिए, आपके फैंस लोग से बहुत कंप्लेंट्स है कि दानिश अपने जो फैंस लोग के लाइक कमेंट्स होते हैं वो लाइक करते, कमेंट जो मैसेजेस के रिप्लाई होते हैं वो करते, बट दावार क्यों नहीं करते अपने? मैं इंस्टाग्राम जब खोलता हूँ ना, ज़्यादा देर तक एक्टिव नहीं रहता हूँ. ओपन करता हूँ, पिक अपलोड करता हूँ और बंद कर देता हूँ. फिर जब नेक्स्ट टाइम खोलता हूँ तो वही पिक अपलोड करने के लिए खोलता हूँ. मैं तो स्टोरीज भी नहीं डालता कभी. हफ्ते में एक बार जाके स्टोरी डालता हूँ, तो एक्टिव ज़्यादा रहता नहीं. ये रहते हैं एक्टिव, थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं, लाइक भी कर लेते हैं. मैं एक्टिव रहता हूँ नहीं, मैं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि सबके लाइक करूँ, कमेंट पढ़ते हैं, टिक टिक टिक. ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता, मैं भी करता हूँ पर कभी कभी नहीं कर जाता हूँ. रमजान के टाइम पे आए तो कुछ लोगों के लिए ईद के लिए कुछ भी मैसेज देना चाहोगे? देखो मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान का महीना दिया है. ये पूरे साल का सबसे बेहतरीन महीना है और इस महीने में अल्लाह ताला कई फरिश्ते आसमान पर रखता है कि जो हम दुआ मांगे फरिश्ते आमीन बोलते हैं, वो कबूल होती होती है. अपने ईमान को बढ़ाना है, अपने लेवल को ऊँचा करना अल्लाह की नज़र में, मैं यही कहूँगा. इसलिए जितनी इबादत जितना जिक्र हो सके इस महीने में करो, उसका फ़ायदा होता है. और फैंस के लिए कुछ मैसेज? बस जो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा, मैं भी शुक्रिया अदा करेंगे हम लोग जो फैंस ने हमारा मतलब इतना इतना प्यारा रिस्पांस देते हैं इतने अच्छे से. और सबसे मुझे मतलब कहते हैं ना अच्छी प्राउड फीलिंग कब होती है, प्राउड भी हाँ ठीक है, जब कोई मतलब कोई हेट कमेंट आता है ना उस सारे फैंस चढ़ जाते हैं. तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने कैसे बोल दिया दानिश भाई? बहुत बार होता है ऐसा, बहुत बार होता है. मतलब मैं जब तक देखता हूँ वहाँ 256 मैसेजेस रिप्लाईज देखता हूँ, क्या असल मैसेज क्या था? उसने कुछ नहीं लिखा होता, उसने लिखा होता है कि आपकी आवाज थोड़ी बेटर हो सकती है बस. okay. तो ये फैंस की ये उनकी मोहब्बत है, मतलब थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, व्हाटएवर वी आर. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दानिश एंड दावर यहाँ पे आने के लिए. चैनल को मैं मतलब आपके काफ़ी इंटरव्यूज देखे हैं मैंने, मैं पहले से मतलब फॉलो करता था. और जब दानिश जैन का हादसा हुआ था तो उस वक्त मैंने शायद बात की थी आपके जो ये चैनल चलाते हैं उनसे, तो बहुत अच्छा चैनल है माशाल्लाह. आप लोग फॉलो करें, सब लोग से हमारी गुजारिश है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ. बहुत अच्छा चैनल है माशाल्लाह आपका, हम लोग काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं, आपके इंटरव्यूज देखते हैं. और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो #MumbaiNews. थैंक यू. और बेल आइकन भी दबा, बेल आइकन में दबा के रहूँगा. फोन कर गया. सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन अबाउट न्यू वीडियोस. फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड ट्विटर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.